अखबारों को नकल कराने और पेपर लीक की खबर लिखने पर जेल भेज दिया गया, जिसकी खबर सुनते ही प्रदेश में पत्रकार और जन सरकारी लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसी क्रम में पत्रकारी हितों के लिए संघर्ष करने वाले अग्रणी संगठन कानपुर जर्नलिस्ट क्लब ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया और एक आपात बैठक अशोक नगर हिंदी स्थित हिंदी पत्रकार भवन में की। बैठक में बलिया के पत्रकारों के साथ हुए दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न और जेल भेजने की घटना की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हमारे 3 पत्रकार साथियों को जेल भेज दिया गया, जो कि बिल्कुल निर्दोष थे और उन्होंने नकल माफिया और प्रशासन के कलई खोलने का काम किया था, उनको जेल भेज दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय है। हम पत्रकारों में बहुत ही आक्रोश है इस मामले को लेके, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे तत्काल उन 3 पत्रकार साथियों को रिहा किया जाए तथा उन अधिकारियों को जिन्होंने उन निर्दोष साथियों को जेल भेजा है उन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब इस घटना का कड़ा विरोध करता है और अगर जल्द हमारे साथियों को रिहा नहीं किया गया तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और कड़ा संघर्ष करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, JK न्यूज़।